boys and girls, welcome back to my YouTube channel. So this is the part 2 of Udyan Express. अभी day 2 हो चुका है और अभी हमारी ट्रेन लगभग एक घंटा देरी से चल रही है. सो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि माकाली दुर्गा घाट आपको देखा होगा, अभी कुछ ही समय में वो घाट सेक्शन आने वाला है. उससे पहले आपको थोड़ा ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ. सो साउथ में आया तो ऑब्वियसली साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ. सो व्हाट आई हैव टेकन इज दिस इडली वड़ा. बॉम्बे में तो इसको बहुत बार खाता हूँ, बट उस जगह पे जाके उस जगह की स्पेशलिटी खाने का मज़ा कुछ और होता है. सो अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ. इट इज़ मैंने ट्रेन में लिया है इसको. सो गाइस, दिस इज़ द मेधु वड़ा एंड दिस इज़ द इडली. इसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है. अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा. नाइस. अच्छा, उस जगह पे जाके उस जगह की स्पेशलिटी खाने का मज़ा कुछ और होता है, भावना पूछले इसी कारण. अभी इसको मैं फटाक से खाता हूँ और आपको बाहर के घाट सेक्शन में मिलता हूँ. सो गाइस, मैंने आपको बोला था अभी माकाली दुर्गा घाट सेक्शन दिखा होगा. अभी घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया. अभी तोंडे भवी करके स्टेशन जा चुका है और आप कृपया घाट सेक्शन के मजे लो, क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है और क्लाउडी वेदर हो चुका है. तो घाट सेक्शन का मज़ा कुछ और होने वाला है. सो आप घाट सेक्शन के मज़े ले लो. घाट सेक्शन अच्छा लगा हो क्योंकि उसका नज़ारा कुछ और था और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर था, उसके वजह से उसकी ब्यूटी और छा गई थी. तो अभी दौड़ बल्लापुर हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं. तो इसके बाद येलाकल्ला आएगा और मुझे बैंगलोर ईस्ट पे उतरना है. वहाँ पे मेरा फ्रेंड मुझे रिसीव करने आने वाला है. वो फ्रेंड कौन है आपको ज़रूर पता है क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छे रेल फैन है. उधर जाके डायरेक्टली हम आपको उनसे मिलवाता हूँ. कौन है आपको पता चलेगा. अभी तक इस ट्रेन का सफ़र बहुत मज़ा आया. इस ट्रेन का रिव्यू देना चाहूँ तो ट्रेन की स्पीड बहुत अच्छी है. खाली टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन है बीच बीच में, इसीलिए. बट ट्रेन की स्पीड बहुत अच्छी है और ट्रेन में कैसा आपका टाइम कटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा. जैसा कि मैंने आपको बोला था ये सिंगल लाइन सेक्शन है. बाजू में अच्छा लाइन देख रहे हो, न्यूली कंस्ट्रक्टेड लाइन है. वहाँ पर डबलिंग का काम चल रहा है. ऊपर आप पोल देख सकते हो. यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम चल रहा है और ये ट्रेन का सफ़र बहुत मज़ा मस्त है. और ये डीजल इंजन का साउंड भी बहुत बढ़िया आ रहा है. सो गाइज दिस इज येलंका जंक्शन और ये बैंगलोर का आउटर है। इसके बाद पूरा बैंगलोर चालू होता है, मतलब बैंगलोर ईस्ट, बैंगलोर कैंट आता है। जैसे मुंबई में हम लोग ज़्यादातर कल्याण ठाणे कैसे पहले आता है, वैसे ये आउटर में आता है बैंगलोर के। अभी इसके बाद हमारी ट्रेन डायरेक्ट बैंगलोर ईस्ट रुकेगी, बैंगलोर कैंट रुकेगी और बैंगलोर सिटी रुकेगी। मुझे तो बैंगलोर ईस्ट उतरना है, तो नेक्स्ट स्टॉप मेरा ही आने वाला है। तो अंदर जाके मैं सब तैयारी वगैरह करता हूँ, आपको इस ट्रेन का छोटा सा रिव्यू बताता हूँ। गाइस अब बात करते हैं इस ट्रेन के छोटे से रिव्यू की। एक्चुअली ये ट्रेन का स्पीड तो बहुत अच्छा था। सिंगल लाइन होने के कारण से इस ट्रेन को डाउन और गुलबर्गा तक क्रॉसिंग में लगाने के कारण से ट्रेन थोड़ी लेट हो चुकी थी। ट्रेन का रिव्यू बहुत अच्छा है। क्लिनलीनेस की बात करें तो ट्रेन को 10 में से 7 देता हूँ मैं रेटिंग, और फूड की बात करें तो जो फूड मैंने लिया था उसको भी 10 में से 7 देता हूँ। ओवरऑल ये ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ट्रेन की स्पीड तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये ट्रेन को EMD डीजल लोकोमोटिव लगा। उसका आवाज़ और उसकी हॉकिंग तो बहुत लाजवाब थी, और माकली दुर्गा घाट सेक्शन का नज़ारा भी बहुत सुहाना था। अभी हम लोग बैंगलोर ईस्ट स्टेशन अप्रोच करने वाले, बट उसके पहले बैय्याप्पनाहल्ली स्टेशन जाएगा, और बैय्याप्पनाहल्ली स्टेशन पे एक छोटा सा कर्व है, वहाँ पर हमारी ट्रेन थोड़ी सी मुड़ेगी। बट यहाँ पर बारिश क्यों हो रही पता नहीं, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ना वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो रही है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। सोलापूरला गेलो तिथे पण पाऊस पडला, तर इथे पण पडतोय जगदम। आता थोड्याच वेळात आम्ही बैय्याप्पनाहल्लीची कर्व क्रॉस करून बैंगलोर ईस्टला पोहोचू। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं बैंगलोर ईस्ट रेलवे स्टेशन उतर चुका हूँ, और मैं मेरी फेवरेट ट्रेन की जर्नी फर्स्ट टाइम एंड टू एंड कर चुका हूँ। और मैंने आपको कहा था कि मेरे दोस्त मेरे को मिलने वाले वो है इंडियन रेलवेज फैन क्लब के ओनर सत्या। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, सौरभ से मिलने का मेरा एक मेन प्लान था, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पामन की ओर, और पामन जाके हमारे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सौरभ के चैनल को। अरे थैंक यू, थैंक यू। और ज़रूर आप लोग देखिए, क्योंकि पामन की एक शानदार जर्नी आने वाली है। ख्याल रखिए आप लोग, और सौरभ इस वीडियो को एंड करेंगे। यस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, नहीं तो सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट अबाउट दिस व्लॉग। ट्रैवल एज मच यू कैन, एज फार यू कैन, एज लॉन्ग यू कैन। दिस इज SFVlog साइनिंग ऑफ। बाय बाय।